नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको टेस्टी क्रिस्पी कद्दू के फूल के पकौड़े बनाना सिखाएंगे। एक बार आप इस फूल के पकौड़े को बनाकर देखिए, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए कद्दू के फूल के पकौड़े बनाते हैं। कद्दू के फूल का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है कद्दू का फूल, एक कटोरी बेसन, चार चम्मच चावल का आटा, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन। तो चलिए कद्दू के फूल का पकौड़ा बनाते हैं। अब सबसे पहले इस फूल को इस तरह से काटेंगे, इसके पीछे वाला हिस्सा ये काट कर निकाल देंगे और ये जो है तोड़ देंगे, और यहाँ से इस तरह से इसको काटते हुए इस तरह से फूल को अलग करेंगे, और ये जो बीच में है इसका ये वाला पार्ट निकाल देंगे, और सारे फूल को इस तरह से ऐसे काटना है हमको। ये दूसरा फूल, और ये बीच वाला पार्ट, इसी तरह से सारे फूल को साफ कर लेंगे और काट कर अलग कर लेंगे इसका ये वाला पार्ट। सारे फूल को काट कर साफ कर लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से धुलेंगे। सारे फूल को अच्छी तरह से धुल कर ले लिया है। जब भी आप फूल धोएं इस तरह से फैला फैला कर अच्छे से धोएं। अब हम पकौड़े बनाएंगे, तो सबसे पहले एक बोल में लेंगे ये बेसन, और उसमें डाल देंगे ये चावल का आटा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच अजवाइन क्रश किया हुआ, और ये एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। अब सारी सामग्री को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको चलाते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे घोल पतला ना हो। अब गाढ़ा घोल बनकर तैयार है। अब हम इसमें इस फूल को डिप करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से और इसको तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। अब हम डालेंगे इसको। ये दूसरा फूल, इसको भी इस तरह से डिप करेंगे और अब इसको भी डालेंगे इसमें। इस पकौड़े को आप एक बार जरूर बनाइएगा, यह आपको बहुत पसंद आएगा, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। पकौड़ों को हमने तल लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी और पकौड़ों को तल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कद्दू के फूल का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पकौड़े को आप एक बार जरूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसको आप चाय के साथ या चटनी के साथ एंजॉय करिए।